दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे चमत्कारी विद्या के बारे में बताएंगे जिसके संकेत कभी भी गलत नहीं होते, क्योंकि यह हमारे शरीर से लेकर मन की सारी क्रिया तथा जीवन की अप्रत्याशित घटनाओं तक को प्रभावित करने की क्षमता रखता है और वह है स्वर विज्ञान यानी सर्वोदय विज्ञान। मैंने अपनी एक वीडियो में आपको स्वर विज्ञान के गूढ़ रहस्यों के बारे में विस्तार से बताया था, जिसे आप सभी ने बहुत प्यार दिया है, और इस वीडियो में हम आपको और भी रहस्यों के बारे में बताएंगे, तो इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखिएगा। दोस्तों, स्वर विज्ञान एक रहस्यमय विद्या है जिसकी खोज प्राचीन समय में ही ऋषि मुनियों ने की थी। ऐसा भी कहा जाता है कि एक बार माता पार्वती ने शिवजी से पूछा था कि हे नाथ, आप संसार में हर एक मनुष्य के पास कैसे रहते हैं। तब इसका जवाब देते हुए भगवान शिव कहते हैं कि मैं हर व्यक्ति के पास उसके श्वास में रहता हूँ। स्वर विज्ञान पूर्णतः वैज्ञानिक रहस्यों के साथ रोमांच से भरा हुआ है। कभी इस विद्या का प्राचीन भारत में हर व्यक्ति प्रयोग करता था, लेकिन आज यह विद्या विलुप्त हो गई है। वास्तव में यह इतना प्रभावशाली है कि इसका उपयोग दैनिक जीवन में किया जाए तो मनुष्य के जीवन की अधिकांश समस्याएं स्वतः ही नष्ट हो जाएंगी। स्वर विज्ञान के शास्त्र को सर्वोदय विज्ञान भी कहते हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती को सर्वोदय विज्ञान का ज्ञान दिया था, जो अपने आप में विलक्षण एवं विचित्र है। इस विद्या से लौकिक और पौलौकिक सभी कार्य सिद्ध किए जा सकते हैं। इसका आपके जीवन में आपके हर एक क्षण आध्यात्मिक से लेकर लौकिक कार्यों में भी बड़ा ही महत्व होता है। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं, जिनमें 24 नाड़ियाँ प्रमुख होती हैं, जिनमें से 10 कुछ ज़्यादा ही प्रमुख नाड़ी हैं, और इन 10 में से भी 3 अत्यंत ही महत्वपूर्ण नाड़ियाँ हैं जो कि हमारे जीवन में प्राण संचारित करती हैं, और वे नाड़ियाँ हैं ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। यहाँ पर नाड़ी से तात्पर्य धमनियाँ या नसों से नहीं है जिनमें रक्त का प्रवाह होता है, बल्कि इससे हमारा तात्पर्य है कि वह मार्ग जिसमें प्राण संचारित होता है, जो हमारे जीवन में कई कार्यों के लिए जिम्मेदार भी होता है, जो बदलता भी है और इन्हें बदला भी जा सकता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि यदि आप शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं तो तीनों नाड़ियों में से जो भी रुकावटें हैं उन्हें दूर कर लें तो आप जीवन पर्यंत स्वस्थ रहेंगे। मतलब कि यदि आप इन तीनों नाड़ियों में संतुलन बना के रखें, इन्हें पहचान लें, इनके बारे में थोड़ा सा जान लें, इनके प्रति सजग रहें, तो आप जीवन भर स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। दिन में कई बार ये नाड़ियाँ बदलती रहती हैं। ईड़ा नाड़ी मन से संबंधित कार्य के लिए है और पिंगला नाड़ी शरीर से संबंधित कार्य के लिए है। एक पुरुष है तो एक स्त्री है, एक निगेटिव है तो एक पॉजिटिव है, इसलिए दोनों का संतुलन अत्यंत ही आवश्यक है। जैसे जैसे हमारी नाड़ियाँ संतुलित होती हैं, हमारा जीवन भी संतुलित होता जाता है। आइए अब हम बात करते हैं पहली नाड़ी के बारे में, जिसका नाम है ईड़ा नाड़ी। दोस्तों, ईड़ा नाड़ी को चंद्रस्वर या चंद्र नाड़ी भी कहते हैं तथा यह स्त्री नाड़ी कहलाती है। यह नाड़ी बाईं नासिका से संचालित होती है। इसका रंग सफ़ेद एवं पीला है। इसका स्वभाव शांत, शीतल और पॉजिटिव होता है। यह नाड़ी हमारी मानसिक ऊर्जा से संबंधित है। ईड़ा नाड़ी को अमृत रूप में भी माना जाता है, जो कि जगत का पालन करती है और ये सभी शुभ कार्यों को भी पूर्ण करती है। जिस व्यक्ति की ईड़ा नाड़ी ज़्यादा एक्टिव होती है, वो व्यक्ति मानसिक रूप से ज़्यादा सक्षम होता है। इस नाड़ी का जैसे जैसे प्रयोग बढ़ता जाता है, उस व्यक्ति की बुद्धि का विकास उतना ही अधिक होता जाता है। जब ईड़ा स्वर चल रहा हो और ऐसे में पृथ्वी व जल तत्व साथ में हो, तो ऐसे में कोई व्यक्ति यदि अपना कोई कार्य किसी वरिष्ठ या ऊँचे ओहदे के व्यक्ति से करवाना चाहता हो, तो वह उसे बड़ी आसानी से कर सकता है, वह उसमें सफलता हासिल कर सकता है। छोटी यात्राओं के लिए यह स्वर सदैव उत्तम होता है। दूसरी नाड़ी है पिंगला नाड़ी। इस नाड़ी को सूर्य स्वर के नाम से भी जानते हैं। इसका स्वभाव गर्म होता है। यह हमारी दाईं नासिका से संचालित होता है। इसका रंग लाल है। इसे नेगेटिव नाड़ी भी माना जाता है। इसे पुरुष नाड़ी भी कहते हैं। इसका उद्गम स्थल हमारे मूलाधार चक्र या मूलाधार चक्र के दाहिने हिस्से से निकलकर दाहिनी नासिका में होता है। जब हमारे दाहिने नासिका से स्वर चल रहा हो, तो हम समझ सकते हैं कि प्राण वायु पिंगला स्वर से चल रही है। जिस व्यक्ति के शरीर में पिंगला नाड़ी का फ्लो ज़्यादा होता है, वह शारीरिक रूप से ज़्यादा काम करने वाला होता है और उसके लिए शारीरिक कार्य भी उचित होता है। जब हम खुद में एनर्जेटिक महसूस करते हैं, तब हमें यह मान लेना चाहिए कि पीड़ा नाड़ी का प्रयोग अधिक हो रहा है।
यदि किसी व्यक्ति का पीड़ा स्वर पृथ्वी या जल तत्व के साथ हो और ऐसा व्यक्ति अपने निचले व्यक्ति से कोई कार्य करवाना चाहता हो तो निश्चित रूप से उसे इस कार्य में सफलता प्राप्त होगी। वो उस कार्य को अवश्य ही कर ले जाएगा। जैसे कठिन विषय को पढ़ना, गूढ़ रहस्यों को, गूढ़ विद्याओं को समझना, शास्त्रों का अध्ययन करना, अस्त्र शस्त्र का अभ्यास करना, तंत्र साधना करना, पहाड़ों पर जाना, वाहन का प्रयोग करना, सांसारिक उपभोग करना, भोजन करना, यात्रा करना, व्यायाम करना, अक्षरों को लिखना, ऐसे कार्यों को आप कर सकते हैं। विदेशी भाषाओं को भी आप पढ़ सकते हैं, इतिहास को पढ़ सकते हैं या फिर भरपूर नींद भी ले सकते हैं। यदि आपका यह स्वर चल रहा हो तो आप इनमें से कोई भी कार्य बड़ी आसानी से सफलतापूर्वक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगली नाड़ी के बारे में, जो है सुषुम्ना नाड़ी। दोस्तों, जब प्राण का प्रवाह दोनों नासिका से चल रहा हो तो उसे सुषुम्ना नाड़ी का चलना कहते हैं। इसको संतुलन नाड़ी भी कहते हैं। इसका प्रयोग ध्यान, योगाभ्यास, प्राणायाम, भक्ति आदि कार्यों में किया जाता है। याद रखिए, जब सुषुम्ना स्वर आपका चल रहा होगा तब आप थोड़ा सा उदास, मन से अशांतपूर्ण महसूस करेंगे। इसीलिए जब यह स्वर चल रहा हो तब सांसारिक कार्यों का निषेध माना गया है। जब यह स्वर चलता है उस समय कोई भी सांसारिक कार्य सफल नहीं होता। आप उसमें निराशा और निगेटिविटी से प्रभावित हो सकते हैं। आपको यह लग सकता है कि यह कार्य हमारे जीवन के लिए उपयोगी नहीं है, इसे करने से क्या हो सकता है, हमारे जीवन में क्या बदलाव आएगा, ऐसे निगेटिव विचार आपके मन में आ सकते हैं। ऐसे में जब आपका सुषुम्ना नाड़ी चल रहा हो तब आपको भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान का पूजा पाठ करना चाहिए। इस स्वर का समय सामान्यतः 4 मिनट का ही माना जाता है। वैसे यह समय हर व्यक्ति की प्रकृति पर निर्भर करता है। ऐसा देखा गया है कि जब संध्या का समय होता है तब सुषुम्ना नाड़ी के चलने की संभावना सबसे अधिक होती है। यह नाड़ी ना तो निगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है, ना ही स्त्री प्रधान है और ना ही पुरुष प्रधान है। जब सुषुम्ना से स्वर संचालित होता है तो हमारे चक्रों का जागरण होता है और वह कुंडली जागरण का कार्य करती है। दोस्तों, जब सुषुम्ना स्वर चल रहा हो तब आपको ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, जैसे मकान, मंदिर आदि का निर्माण कार्य करना, और ना ही आपको परदेश जाना चाहिए। सुषुम्ना स्वर में जो कोई भी विदेश जाता है तो उसके जीवन में दुर्भाग्य, कष्ट और पीड़ा बने ही रहते हैं। अब हम बात करते हैं स्वर परिवर्तन की विधियों के बारे। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर हम इन स्वरों का ध्यान देने लग जाएं, तो हम ज़्यादातर अपने कार्य कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हो सकता है जब हमें कार्य करने की आवश्यकता हो तो उस समय हमारा वह स्वर चल ही न रहा हो। तो ऐसे में ध्यान रखिए, आप इन स्वरों को परिवर्तित भी कर सकते हैं। आइए अब हम स्वर परिवर्तन की विधियों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, आपको जो स्वर चलाना हो, किसी कार्य को करने के लिए आपको जिस स्वर को चलाने की आवश्यकता हो, यदि वह न चल रहा हो तो आपको करना बस यह है कि जो स्वर चल रहा हो उसके विपरीत करवट बदलकर हाथ उसी हाथ का तकिया बनाकर लेट जाएं। थोड़ी देर में ही स्वर बदल जाएगा। जैसे यदि सूर्य स्वर चल रहा है और आपको स्वर चंद्र चलाने की आवश्यकता है तो आपको दाहिने करवट लेट जाना चाहिए। हाथ के अंगूठे से नाचिका का एक क्षेत्र बंद कर देना है। जो स्वर चलाना हो उसे खुला रखना है। थोड़ी देर में अपने आप स्वर बदल जाएगा। स्वर परिवर्तन में मुख को हमेशा बंद रखना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं कि स्वर स्वास्थ्य के अनुसार आपको अपने दिन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले जब आप प्रातःकाल उठें तो अपने हाथों की हथेलियों के दर्शन करें। अपने हथेलियों को मुख पर फेरते हुए चेहरे पर घुमाएं और फिर सारे शरीर पर हाथों को घुमाएं, और इसके बाद अपने दोनों हथेलियों को सामने रखते हुए एक साथ जोड़ते हुए इस मंत्र को बोलें, क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी, मध्य में सरस्वती और मूल में ब्रह्मा का निवास है। ऐसे पवित्र हाथों का प्रातःकाल दर्शन आपको अवश्य ही करना चाहिए। याद रखिए, कर्म का प्रतीक हमारे हाथ है। कुछ भी प्राप्त करने के लिए कर्म जरूरी है, इसलिए सुबह सुबह हाथों का दर्शन अवश्य करिए। इसके बाद बिस्तर त्याग के साथ जिस ओर का स्वर चल रहा हो उसी ओर का पैर पृथ्वी पर बढ़ाएं। ऐसा करके हम इस पृथ्वी देवी को, जो इस धरती पर मौजूद समस्त जीवों का भार उठाए हुए है,
उनके ऊपर अपने पैरों को रखने के लिए, स्पर्श कराने के लिए क्षमा प्रार्थना करते हैं। ऐसा करने पर हमें यह मालूम होता है कि भारतीय संस्कृति में निर्जन वस्तुओं में भी चेतन देखने की क्षमता है। तत्पश्चात जो भी स्वर आपका चल रहा हो उसके अनुसार अपने कदम को आगे बढ़ाएं। जो स्वर चल रहा हो उसकी ओर से हाथ पैर डालकर कपड़े पहने। ऐसा करने पर आपके जीवन में दिन भर प्रसन्नता बनी रहती है। घर से बाहर जाने पर जिस तरफ का स्वर चलित हो उसी हाथ या पैर को आगे करके कार्य करने से अवश्य ही सफलता मिलती है। ऐसा करने से व्यक्ति सर्वदा सुखी और उपद्रव से बचा रहता है। याद रखिए, जो स्वर आपका चल रहा हो उन अंगों को प्रधानता आपको अवश्य ही देनी चाहिए। ऐसा करते हुए आपको हर स्थिति में कार्य करना चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, स्वर ज्योतिष की जानकारी से मनुष्य शरीर और मन को नियंत्रित करके रोग, कलह, हानि, असफलता को दूर कर सकता है। इसके साथ ही वह अपने जीवन को आनंदमय बनाकर परलोक को भी सुधार लेता है और कल्याण को प्राप्त करता है। दोस्तों, आप स्वर विज्ञान का सहारा लेकर उसका उपयोग करके अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं, दिव्य जीवन का निर्माण कर सकते हैं। अगर आप इस विज्ञान का प्रयोग करते हैं तो इतना ही नहीं, आप अपने संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति और क्षेत्र की धाराओं तक को बदलने में सामर्थ्य पा सकते हैं। तो अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं, इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।